ये गाड़ी भी सुजुकी रहने वाली है, इसका पूरा मैं डिटेल में रिव्यू दूंगा। पिछली वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा प्यार किया, तो मैं चाहता हूँ आगे भी ऐसे प्यार बनाए रखना। तो मैं आप गाड़ी का तो कौन से देखो भाई, ये अपनी रहने वाली सलेनो रहने वाली, ठीक है, सुजुकी की, तो इसका पूरा रिव्यू करूँगा। और भाई चैनल में नहीं हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और पूरी वीडियो भाई मेक श्योर कि आप शुरू से एंड तक देखना, ठीक है। बाकी मैं आपको पूरा रिव्यू दिखाता हूँ, चलो। सो गाइस, मैं आपको सारा रिव्यू देने वाला हूँ, तो पहले फ्रंट लुक की बात कर लेते हैं। फ्रंट में आपको मिलेगी हेलोजन बल्ब वाले, नीचे आपको कोलाइट मिलेगी। आप चाहो तो आफ्टर मार्केट फॉग लैंप लगवा सकते हो, और आफ्टर मार्केट हेडलाइट लगवा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर बात करें ग्रिल, तो दोनों आपको ब्लैक रहने वाली है, बस यहाँ थोड़ी क्रोम की फिनिशिंग हुई है। सुजुकी वैचिंग मिल वाली है, सिंपल नंबर प्लेट मिल वाली है, जो काफ़ी सही है। इस साइड बात करें, इस साइड भी आपको सेम हेलोजन बल्ब एंड फॉग लाइट मिल वाली है, तो आप दोनों चाहे तो चेंज करवा सकते हैं। तो ये कुछ था भाई अपना फ्रंट लुक। बात कर लेते इंजन की, तो फिर आपको इंजन पूरा खोल के दिखाता हूँ आगे। सो भाई ऐसा कुछ रहने वाला इंजन हमने बोनेट खोल के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये गाड़ी भाई 2016 है, लास्ट का मॉडल 17 लगा सकते हो, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ गाड़ी को, साफ रहने वाली गाड़ी। एमरोन की नई बैटरी इसमें डली डलाई आई थी, तो भाई ये अपना पेट्रोल वर्जन रहने वाला है, 1.2 लीटर पेट्रोल, ठीक है। और इसका आपको CC बता दूँ तो 1197, मतलब सिलेंडर, तो इसमें भाई आपको 4 सिलेंडर मिल जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ रहने वाला अपना इंजन। और इसकी मैक्स पावर बता दूँ तो आपको 83.10 BHP की वो देता है, और 6000 RPM पे, ठीक है भाई। तो इसका RPM रहने वाला है। तो ऐसा कुछ इंजन था आपको, बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलेंट वगैरह यहाँ डलता है, ठीक है, ब्रेक ऑयल में डलते हैं, ये पानी वानी सब यहाँ डल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसका जो टॉर्क बता दूँ तो मैक्सिमम टॉर्क रहने वाला है इसका 115 Nm का, और ये वो कब देगा तब आपको 4000 RPM होगा, ठीक है। तो ये कुछ भाई अपना इंजन रहने वाला है। अब आपको साइड व्यू ले चलते हैं इसका। सो मैंने आपको भाई पूरा फ्रंट व्यू दिखा दिया, इंजन दिखा दिया, तो साइड व्यू की बात करते हैं। पहले साइड व्यू आप देख लें, ऐसा कुछ रहने वाला अपना साइड व्यू, ठीक है। आ जाओ टायर दिखा दो पहले आपको। टायर आपको मिलेगा 185/60, मतलब R15 इंच के टायर रहने वाले हैं। कंपनी से जो लगे आए थे वही है इसमें। MRF के टायर लगे हुए हैं, व्हील कवर लगे हुए हैं इसमें। आप चाहो तो अलग भी लगवा सकते हो, आपकी मर्जी है। वैसे अगर ऐसे रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगवाने हैं 1 इंच लगवा लो, उससे कोई एवरेज फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे मैं कहूँगा तो ऐसे ही ठीक है, नॉर्मल रखो, आप गाड़ी चलाओ सही रहेगी। ऊपर बात करते हैं तो ऑटो फोल्ड मिरर मिल जाते साइड वाले विथ इंडिकेटर्स, ठीक है, जो से लोग आते हैं उसमें नहीं मिलते, लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं। ऊपर बात कर ले रेन वाइजर, डोर वाइजर, जो भी आप इसे बोलते हो। लोअर गार्निश मिल जाती क्रोम भी, यहाँ से पूरी यहाँ से आपको क्रोम मिलने वाली, लुक इनहेंस करता है गाड़ी काफ़ी। साइड बीटिंग देखने मिल जाएगी विथ क्रोम, दोनों साइड मिलेंगी, क्रोम हैंडल्स मिलेंगे, ठीक है। इस साइड देखो आप, दोनों में क्रोम हैंडल मिलेंगे। तो भाई अगर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हो, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका, जो कि ठीक है काफ़ी, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया ग्राउंड क्लियरेंस क्या क्या रहने वाला है। अब चलते हैं भाई पीछे की तरफ, तो आप पीछे दिखा दें। सो गाइस, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, साइड का, फ्रंट का, इंजन, पीछे की बात कर लेते हो। पीछे आप दिखाते हैं, सिंपल आपको देखा प्लानिंग बैचिंग मिला दो, सुजुकी बैचिंग मिला दो, ऊपर पावर्ड बाय नेक्सा, ठीक है। ये आपको वाइपर मिल जाता है पीछे, दो आगे थे एक पीछे मिलता है, ठीक है। और इस साइड बात कर लेते हैं, इसको आपको यू विल गेट 4 सेंसर इन दिस कार एट बैक साइड, ठीक है। सिंपल अपनी नंबर प्लेट रहने वाली है। एंड नीचे देखोगे तो यू विल गेट 2 रिफ्लेक्टर्स, एक वहाँ है एक वहाँ है, ठीक है। तो ये हो गया पीछे की, तो अब बूट स्पेस दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये यहाँ बटन होता है इसके नीचे, ये दबाओगे ये खुल जाएगी आराम से नॉर्मली। तो भाई बूट स्पेस आप दिखाओ, देखो भाई काफ़ी अच्छा बूट स्पेस मिल रहा है, 355 लीटर का, काफ़ी अच्छा है। इसमें मैंने CNG लगवा रखी, जिस भाई की गाड़ी में CNG लगवा रखी, मेरी वाली गाड़ी में CNG की तो जगह कम थी, पर इसमें भी काफ़ी अच्छी बूट स्पेस है, ठीक है। ये आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है, आप चाहो तो यहाँ से हटा सकते हैं आराम से इसको, ठीक है। तो सामान वगैरह रखना इसलिए आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसे, आप तो बंद कर, यहाँ पर आपको नॉर्मल यहाँ से आराम से पकड़ के तो बंद कर सकते हैं। और ये आपकी कुछ लाइट रहने वाली, स्टॉक लाइट रहने वाली है, ये आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, यहाँ पे आपको बैक लाइट मिलेगी और इंडिकेटर मिलेंगे, दो बोथ साइड सेम रहेंगे। अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूँ इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी बताना भूल गया था। तो फ्यूल कैपेसिटी इसको मिलने वाली 37 यानी कि 37 लीटर मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपकी फ्यूल कैपेसिटी होगी। अब चलते हैं। सो भाई मैंने आपको सारा बता दिया फ्यूल कैपेसिटी। अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं तो आपको मिलेगा 3998 की इसकी लेंथ मिलेगी, ठीक है। हाइट की बात कर लेते हैं तो इसका मिलेगा 1510, मतलब कि 1510 इसकी हाइट रहने वाली है। वेट बता दूँ गाड़ी का तो 935 kg वजन रहने वाला है इस गाड़ी का। तो मैंने भाई मेरे हिसाब से एक्सटीरियर का सारा कवर कर दिया है, ठीक है। तो अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं भाई, ये एंटीना भी है, ठीक है। तो इसे भूल गया था, सॉरी। तो इंटीरियर की तरफ चलते हैं, ठीक है। सो गाइस फाइनली हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, तो स्टार्ट करेंगे नॉर्मली हम डोर से। तो नॉर्मल आपको इसमें मिलने वाले हैं पावर डोर मिलने वाले हैं, ठीक है। पावर विंडो मिलने वाली चारों साइड, एंड यहाँ से आप डोर लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। ये आपको पावर विंडो लॉक हो जाएगी यहाँ से, एंड यहाँ से ये आप देख रहे हो तो ऑटो फोल्ड मिरर से देख सकते हैं आप, ये बंद हो गए। एंड आप ये दोनों ये खोल सकते हैं दोनों साइड वाले, एंड यहाँ से आप अनलॉक अनलॉक कर सकते गाड़ी भाई। साइड का डोर हो गया। तो बात कर लेते हैं स्टेयरिंग की। स्टेयरिंग आपको मिलने वाला है नॉर्मल, बस इसमें जो ये आप कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इससे जो बेस मॉडल आता है उसमें आपको नहीं मिलेगा, और इससे ऊपर जो आता है उसमें आपको बोथ साइड मिलेंगे, पर इसमें एक साइड है। एंड यहाँ बात कर ले इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो आपके यहाँ ऑडोमीटर स्पीडोमीटर मिलेगा। एंड मैंने जैसे कि आपको बताया था गाड़ी न्यू एक तरह से नई है, अभी तक 20,000 चली है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ट्रिप वगैरह ये सब मिल जाता है, एडजस्ट कर सकते हैं आप। एंड यहाँ आपको टेम्परेचर बता देगा ना, तो इसमें आपको एक यहाँ से जो स्टीरियो है वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, ब्लूटूथ का हो गया, फ़ोन उठा सकते हैं, फ़ोन कट कर सकते हैं, एंड वॉल्यूम वगैरह सब कुछ यहाँ दिया, चैनल वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। एंड मैं बता दूँ भाई इसमें आपको दो एयरबैग मिलेंगे, एक जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे एयरबैग, एंड सेम आपको मिलेगा वहाँ, ठीक है, सॉरी SRS आपको एयरबैग मिलेंगे बोथ साइड, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। सो गाइस स्टीयरिंग वगैरह सारा हमने बता दिया आपको। एंड बात कर लेते बीच के कंसोल की, तो बीच का कंसोल काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, ठीक है, अपने आप में। तो ये आपको मिल जाएगा स्टीरियो जो कंपनी फिटेड आता है, आप देख सकते हैं। आपको कंट्रोल्स मिलेंगे FM के, AM, मीडिया, वॉल्यूम का ट्यून, ठीक है, ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है, CD प्लेयर देते हैं आपको। इसके बाद करें तो आपको पार्किंग से ये पार्किंग मिल जाती है इंडिकेटर, ठीक है। एंड यहाँ आप देख सकते हैं अभी फिलहाल मेरे को गाड़ी 18.0 की एवरेज दे रही है, जो काफ़ी अच्छी है। सिटी में इतनी दे रही है, बाहर हाईवे पे जाएगी तो 19 से ऊपर हो जाती है आराम से। एंड यहाँ से आपको फ़ैन की सेटिंग मिल जाएंगी, AC की सेटिंग मिल जाएंगी, देख सकते सारी AC की सेटिंग रहने वाली है, ठीक है। एंड नीचे बात कर सकते हैं, आपको चार्जर मिलेगा, एंड यहाँ पर पेन ड्राइव सॉकेट आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हैं, एंड वन देयर इज चार्जर। एंड यह काफ़ी कंसोल में काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ, ठीक है, आपको 6 गियर मिलेंगे, फ्रंट व्हील ड्राइव इस गाड़ी में। एंड नॉर्मली यहाँ रहने वाला है आपका हैंड ब्रेक, ठीक है। एंड पीछे बात कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ एक 1 लीटर बोतल की स्पेस मिल जाती है, ठीक है, आराम से आप कुछ रख सकते हैं 1 लीटर का। एंड कुछ चाहो तो आप चेंज वगैरह रख सकते हैं। साइड में आपके देख सकते हैं सीट बेल्ट का हुक मिल जाता है, लॉक कर सकते हैं अनलॉक, एंड ऐसा कुछ रहने वाला है। बात कर ले AC वेंट्स की, तो AC वेंट आपको मिलेंगे 1, 2, 3 एंड 4, तो आपको टोटल 4 AC वेंट मिलने वाले हैं। एंड यहाँ देख सकते हैं आप ग्लव बॉक्स में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है इसमें, ठीक है। एंड इस साइड बात कर लेते हैं, आपको पावर विंडो मिलने वाली है, एंड ऊपर आपको मिल जाते हैं हैंडल्स। एंड इस साइड बात कर लेते हैं तो इस वाले शेड में आपको मिलेंगे मिरर, ठीक है। यहाँ भाई लगा लो, पन्नी भी नहीं उतरी, इतनी नई गाड़ी रख रखी भाई ने, यहाँ पर भी आपको शेड मिलने वाला है। ऊपर बात कर लेते हैं तो आपको लाइट मिलेंगी ये वाली, आराम से को पुश करो दोनों तो जल जाती है, काफ़ी अच्छी बात है। एंड पीछे बात करें तो रूफ़ पे एक लाइट मिलने वाली है आपको। तो भाई मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। बात कर लेते हैं सीट की, तो सीट की फिनिशिंग देख सकते हैं आप, बकेट फिट है जो कंपनी के साथ आती है, बलेनो की ओरिजिनल सीट रहने वाली है, देख सकते हैं आप। कपड़ा भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने, जेन्युइन दिया हुआ है कपड़ा, लेदर, ठीक है। उस साइड में आपको बताता हूँ 1 लीटर बोतल की स्पेस दी है, आप देख सकते हो बोतल बनी हुई है छोटी सी। एंड सेम साइड आपको यहाँ मिलेगी, तो चारों डोर में आपको 1 लीटर बोतल की स्पेस दी गई है, जो काफ़ी अच्छी बात है। पर्सनली मुझे इसका जो फिनिशिंग दी है सीट वगैरह कपड़े की, काफ़ी अच्छी लगी, देख सकते हो आप सिलाई कैसे कर रखी है, स्टिचिंग एक नंबर की रहने वाली है। सो गाइज मैंने आपको बता दिया इंटीरियर का, तो अब बात कर लेते हैं हेड रूम की और लेग रूम की। तो तुम्हारे भाई की हाइट काफ़ी अच्छी है, 6 फुट है, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही बैठने में, ठीक है। हाँ बेस ऊपर को बैठना चाहेगा, हाइट बना काफ़ी अच्छा रहने वाला, हेड रूम और लेग रूम दोनों बेस्ट है, एंड क्लच काफ़ी स्मूथ रहने वाला इसका। एंड मैं बता दूँ आपको सीट इलेक्ट्रिक नहीं मिलेंगी, आपको खुद एडजस्ट करनी पड़ेगी यहाँ से, एंड यहाँ से दोनों आपको खुद ही एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो आगे का कुछ ऐसा रहने वाला है। अब चलते पीछे की तरफ, पीछे का आपको पूरा दिखाता हूँ, लेग एंड हेड रूम दिखाता हूँ, तो चलो भाई पीछे। एंड गाइस मैंने आगे का सारा कुछ बता दिया, एंड अब पीछे चलते हैं। पीछे भी काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है, हेड रूम एंड लेग रूम का दोनों काफ़ी अच्छा स्पेस रहने वाला है, आराम से बैठ सकते हैं। पर ये है तो पीछे 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, साइड एक बंदा, साइड एक बंदा इजीली बैठ सकते हैं। बात करें बीच में
ऐसे बैठना पड़ेगा, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ किसी बच्चों को बैठाएं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। पर हाँ ये है, एडजस्ट करके तीन लोग बैठ सकते हैं। हेडरूम काफ़ी अच्छा है, लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। एंड यहाँ आपको थोड़ा पास आओगे तो आपको दिखाऊंगा मैं, आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिलेगा, एक आगे मिलेगा एंड पीछे मिलेगा, ठीक है। तो ये आपकी बकेट फिट सीट रहने वाली जो भी है, यहाँ आपको देख सकते हैं पॉकेट वगैरह मिल जाती है यहाँ पे। एंड सेम साइड आपको यहाँ पे मिलेंगी पॉकेट, देख सकते हैं आप ऐसे। एंड बात कर ले आपको तो यहाँ पे सीट बेल्ट मिलेगी, जैसे कि आप देखते हैं इस साइड मिलेगी एंड आपको एक इस साइड देखने मिलेगी, तो इसमें बोथ साइड आपको सीट मिलेगी, सीट बेल्ट। तो जहाँ तक मुझे लग रहा मैंने सब कुछ ज़्यादा दिया। एंड मैट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे मैट्स हैं 5D, जो कि ओरिजिनल गाड़ी बलेनो के साथ मिले। तो ऐसा कुछ रहने वाला था भाई पीछे का। सो गाइस अब पिकअप दिखा रहा है आपको, तो नॉर्मली फर्स्ट गियर पे उठ रही गाड़ी आराम से, ठीक है, नॉर्मली उठ रही है, कोई झटके उठके मार नहीं थी। सेकंड डालते हैं एंड देन थर्ड, तो आप देख सकते हो भाई पर्सनली गाड़ी का काफ़ी अच्छा लगा मुझे पिकअप देख रहा हूँ। और अभी 60 पे चलेगी मेरी गाड़ी एंड 80, ठीक है, फोर्थ गियर डाल दिया मैंने, 80 पे चली। सो गाइस मैंने आपको सारा इंटीरियर एक्सटीरियर बता दिया है, तो भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना, पहले बता रहा हूँ मैं। भाई मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर आपको बलेनो लेनी है 2016 या 17, 18, 19, 20 जो भी मॉडल है, तो भाई बेझिझक ले सकते हो आप गाड़ी, एक नंबर गाड़ी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सस्पेंशन काफ़ी अच्छा रहने वाला है, थोड़ा बहुत आवाज़ आती है गड्ढों में मानता हूँ मैं, जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है। प्लीज़ भाई अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स एंड जहाँ आपका मन करे 5 शेयर कर देना।